पास पड़ोसी से पता करते हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी उठती हुई पास ही पड़ोसियों के घर में जाती हैं। वो घर तो दो दुष्ट कौओं का था। सुनहरी चिड़िया जाकर जब दरवाजा खड़कती है तो बाहर कालू कौआ आता है। अरे जीजी क्या है चिड़िया, क्या बात है, क्या काम है आपको? अरे कालू भाई, हम लोग अपनी बहन के घर में आए थे, लेकिन वो घर नहीं है। फिर ऐसे ही सारी की सारी बात सुनहरी चिड़िया बताती है कि वो तो अपनी बहन टोनी चिड़िया के घर में आए थे। अरे अरे वो तो कल के ही यहाँ से चली गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, हमें तो उसने बताया भी नहीं। टोनी चिड़िया तो अपनी सहेली के घर दूसरे जंगल चली गई थी। सुंदरी चिड़िया जब ये बात सुनती है कि टोनी चिड़िया पता नहीं कहाँ चली गई है, वो तो परेशान हो जाती है। अरे कालू भाई, क्या आप लोग हमें यहाँ पर ठहरने के लिए अपना घर दे सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर 8 का दिन ठहर कर इंतजार कर सकें? जब सुंदरी चिड़िया ये बात कहती है तो कालू कौआ फिर कहता है, अरे अरे मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर रह सकते हैं या नहीं। कालू कौआ जल्दी से अंदर जाता है। अरे गोरी गोरी, बाहर टोनी चिड़िया की बहन आई है, वो कह रही है कि आप लोग हमें रहने के लिए 8 दिन अपने घर में ही रख लो। नहीं नहीं कालू जी, हमारा घर पहले से ही छोटा सा है, मैं नहीं रखने वाली उसे। उसे कहो कि चली जाओ यहाँ से, जाकर कहीं और रहे जाकर। अरे गोरी, टोनी चिड़िया बहुत अच्छी है, अगर उसे पता चला कि हमने उसकी बहन के साथ ऐसा किया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। अरे तो ठीक है, तुम रखो टोनी चिड़िया को, मैं तो नहीं रखने वाली। तुम ऐसा करो कि टोनी चिड़िया की बहन को कहो कि किसी और के घर में जाकर रहे, और अगर यहाँ पर रहना है तो फिर उसे किराया देना पड़ेगा, 8 के दिन का पूरा 300 रुपये किराया। फिर ऐसे ही कालू कौआ जल्दी से बाहर जाता है और वो जाकर सुंदरी चिड़िया से कहता है कि उसकी पत्नी गोरी कवि तो उनसे मकान का किराया मांग रही है कि 1 दिन का वो 300 रुपये किराया लेगी। सुंदरी चिड़िया जब ये बात सुनती है तो सुंदरी चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं कि एक पड़ोसी होने के नाते ये तो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे मेरी बहन के कितने कंजूस पड़ोसी हैं, ये तो मेहमानों की भी इज्जत नहीं कर रहे, तो इस जंगल के पक्षियों की कैसे मदद करते होंगे। तभी फिर ऐसे ही सुंदरी चिड़िया की तो मजबूरी थी, वो ऐसा करती है कि मान जाती है, ठीक है कालू भाई, हम आपको 300 रुपये किराया दे देंगे, आप लोग हमें 8 का दिन अपने घर में रख लें। फिर होता कुछ यूँ है कि सुंदरी चिड़िया